ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 15 अक्टूबर 2020। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे नाजुक पना भी देह अभिमान है, रुसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यह नहीं कर सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकलना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। आज की मुरली में बाबा ने धारणा के लिए सार कहा, उसमें पहला है, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा है, बाबा जो हुक्म करें उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। वरदान का डिटेल है, आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती को बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनो। आप सेकंड में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकेंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकेंड में सर्व संकल्पों को समाप्त कर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। आज का स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।